Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God. डेंसो हॉल के जस्ट अपोजिट देखे हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, ये देखे जरा पाकिस्तान का हेरिटेज कैसा है। इसे कहते हैं विरसा। और आई एम रियली थैंकफुल टू जासमीन लारी अभी वो उस बारे में कराची की हेरिटेज को महफूज बनाने में उनका बड़ा किरदार है और वो अपना किरदार बखूबी निभा रही है। मेरे जैसे गैर जानेदार लोग भी इसको खुश आमदेद कहते हैं। वी थैंकफुल टू जासमीन लारी अभी उनके अच्छे काम है। अब आगे भी मैं बताऊंगा आपको कि आगे ये कैसे काम हो रहा है। ये देखें, ये है वो डेंसो हॉल, सी दिस, वो देखें ऊपर लिखा हुआ है इसके, ये पुराना डेंसो हॉल है वो ऊपर देखिए। ये हॉल था जिसकी पिछली तरफ मिर्ज़ा आज़म खान रोड तक ये बन रहा है, रेनोवेट हो रहा है, हेरिटेज को महफूज बनाया जा रहा है। और ये मैं आपको अगले चंद सेकंड में आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये इसकी ओपनिंग है। ये देखें, ये बंदर रोड से आप आते हैं, कोर्ट क्रॉस करते हैं, ये बंदर रोड है जिसे हमें जना रोड कहते हैं, उससे आप आते हैं आगे। ये देखिए पीछे सारा ये हेरिटेज है माशाल्लाह। ये देखें कराची का हेरिटेज और हमारे मुल्क का हेरिटेज है। ये देखें पीछे जो मैंने जूम करके आपको दिखाया, ये आप आते हैं टी टी कोर्ट क्रॉस करते हैं, उसके आगे आते हैं तो ये फिर डेंसो हॉल आता है। और ये डेंसो हॉल सीधा ये वाला है मे जना रोड, ये सीधा टावर को जा रहा है। ये देखिए ये हेरिटेज से भरा हुआ है। तो उम्मीद आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने मुल्क को आगे करेंगे। हमारा मुल्क, हमारा शहर कराची हेरिटेज से भरा हुआ था। थैंक यू सो मच। वी आर हेयर एट डेंसो हॉल। डेंसो हॉल पाकिस्तान बनने से पहले इसकी एक तारीख है और ये थी, अभी हमारे हेरिटेज की ये रेनोवेशन हो गई है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत अच्छा ये बनेगा। और ये जो सेंट्रल प्लेस है इसमें बकायदा सिटिंग अरेंजमेंट होगी, इसमें पार्क होंगे, ये दिखाई दिए लोग बैठ सकेंगे। और ये यहाँ से बनेगा ये, और ये सारा हेरिटेज को महफूज कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान के लिए और हमारे कराची के लिए खसूस ज़बरदस्त है ये, और ऐसे काम होने चाहिए ताकि हम अपनी तारीख को महफूज कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम हमारे व्यूअर्स जी। नबीला फरमाइए, आप आज किधर आ गई हैं? आज मैं आई हूँ डेंसो हॉल, डेंसो हॉल के पास आई हूँ और यहाँ की कुछ हिस्ट्री मालूम करनी है, वो जो बताएंगे हमारे। हिस्ट्री क्या मालूम करनी है? ये पाकिस्तान का यूजफुल हेरिटेज है, हेरिटेज कहते हैं विरसे को। ये हमारा विरसा है, इसको महफूज बनाने के लिए यहाँ काम हो रहा है। ये जो हम लोग आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, ये बना रही हैं जनाब यासमीन लारी आप ही, इसमें इन्वॉल्व है, ये जो काम हो रहा है ये बना रही हैं जिसमें आप। हाँ, तो इसके लिए हम आए ताकि लोगों को दिखा सकें। दिखा रही है काम आप, ये देखो नबीला, नबीला ये देखो, नबीला ये देखो सामने हेरिटेज, उसे देखो कितना प्यारा हेरिटेज है। और ये 1800 सेंचुरी की बनी हुई बिल्डिंग है जिनका काम हो रहा है, और ये अभी बनवा रही है, सारा काम वो करवा रही है। तो आज हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान का विरसा दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए ना कैसा ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये देखिए हमारा ये विरसा, हाँ इसको महफूज बनाया जा रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? तूने कभी देखा नवीदा? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जब कंप्लीट होगा ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल, हम आपको ढूंढते ढूंढते पहुंच गए आखिर। थैंक यू सर, आपने मुझे ढूंढ लिया, आपने वेलकम ही नहीं किया। वेलकम सर, बहुत ना चाय का पूछा अभी तक। बिल्कुल, आपको चाय भी पिलाएंगे। असल में मैं बरजस्ता गुफ्तगू का आदी हूं, जी जी सर, क्योंकि लोग इसको पसंद करते हैं। जी हां, जो मेरे व्यूअर हैं वो ये कहते हैं जी समीर भाई आप जो है टका के बात करते हैं। जी हां, तो नबीला क्या कहना चाहेंगे इनसे, बताएं नबीला को आप ये। जी हां, वालेकुम अस्सलाम जी सर, हमने आपको बहुत सारी सुनी कि आप यहाँ का काम करवा रहे हैं, और कैसा लग रहा है आपको काम? जी हाँ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मैं तो इससे पहले गांव में हम काम करवा रहे थे, देहातों में चीज़ें हो रही थी, अब सिटी में गली पर हम आए, कल यहाँ पे हमने ये जब ये आए हमने काम किया है, हमें बहुत ज़बरदस्त लगा है। तो यहाँ के काम की आपको मैं खुसूसियत ये बताऊँ कि जो ये टाइल हमारे आसपास देख रहे हैं, ये टाइल्स वहाँ की ख्वातीन से बनी है, और उन ख्वातीन से हमने बनवाई। एक जो ख्वातीन पहले भीख मांग रही थी, उनको हमने ट्रेन किया है, उनकी ट्रेनिंग करके उनको स्किल दिया है, उस स्किल के बाद ये टाइलें उन्होंने बनवाई है। माशाल्लाह जी, वेल डन, हम अप्रिशिएट करते हैं। जी हाँ, थैंक यू सर, हम अप्रिशिएट करते हैं। और हम आपके इस काम को अप्रिशिएट करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगे जो आप ख्वातीन के लिए ऐसे काम करवा रहे हैं,
भीख मांगने के बजाय इस चीज़ पे आ गई हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये वहाँ पे हमारी बाकायदा 25 खवातीन की टीम है जिसमें 25 खानदान काम कर रहे हैं और उनको हमने इसका स्किल सिखाया है। अब वो ये टाइल्स बना रही हैं। अगर आप टाइल देखें तो हर टाइल के पीछे जिस खातून ने टाइल बनाई है उसकी बाकायदा स्टैंप लगी हुई है अपने नाम के साथ। माशाल्लाह, वो हमें देखना चाहिए। मैं बिल्कुल आपको टाइल भी दिखा रहा हूँ। और ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि गांव से कोई चीज़ बन के आके सिटी में। मैं कहता हूँ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बीक के मैदान को गैर आबाद किया, कारोबार के मैदान को आबाद किया। रियली क्रेडिट गोज टू यू पीपल। और ये से बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आप लोगों को अपने पांव पे खड़े कर रहे हैं। आप कोई दस्तरखान स्कीम नहीं लाए, नहीं। आप लोगों को पांव पे खड़े करने की स्कीम लाए और साथ साथ शहर को भी आबाद कर रहे हैं और इसके हेरिटेज को महफूज कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे शहर को कोई पता नहीं हम कब तक कहना ही है जो हेरिटेज को महफूज बनाया जाता है। ये हमारा विरसा है, विरसा कहते हैं ना जी, हमारा विरसा है। और जितने भी हमारे दुकानदार हजरात हैं, ये मेरे आमने सामने बैठे हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। ये दुकानों की इंक्रोचमेंट थी, सब लोगों ने अपने बिहाफ पे अपने खर्चे पे हटाई है। यहाँ से गवर्नमेंट ने नहीं हटाई, इन लोगों ने खुद आके हटाई है। बाकायदा पैसा लगाए हैं उन्होंने, अपना पैसा लगा के ये शटर सारे यहाँ से रिमूव किए हैं। जी जी, आप सामने देख सकते हैं। जी 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 जी, मैं दिखा रहा हूँ। जी जी, सब लोगों ने खुद इस चीज़ को देखा है, अपना सब काम खुद किए हैं। नहीं माशाल्लाह, सबसे ये कराची में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लोगों ने खुद अपने बिहाफ पे हेरिटेज बिल्डिंग की वैल्यू समझ कर इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की है। आप इन लोगों को ये जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी वीडियो मैदान में आएगी, और ये वीडियो आपको पता है हमारा चैनल है ट्रैवल टूरिज्म का, ये लोग देखेंगे और इसको विजिट करने आएंगे। जी हाँ, जाहिर है से सेल बढ़ेगी। जी हाँ बिल्कुल सर। एयरपोर्ट से आएंगे, टैक्सी के पैसे मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये हमें समझना चाहिए कि एक आदमी के आने से वो 5,000 रुपया मुख्तलिफ लोग ले जाते हैं। हम समझते हैं चूँकि हम ट्रैवलर हैं, काम ही यही करते हैं, तो क्रेडिट गोज टू यू पीपल रियली। जी सर, आप हमारे चैनल के बारे में, टूरिज्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका माशाल्लाह, मुझे मेरे एक दो वीडियोस देखी आपकी, बहुत ज़बरदस्त चैनल है कि आप तो पाकिस्तान की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपकी स्ट्रगल को और साथ सर की स्ट्रगल को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त काम आप लोग। रियली ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू सो मच। नईम शाह साहब, आप बताइए जी, नबीला देखें ये टाइलें जी। देखें जी साहब, ये टाइल देख सकती हैं, जिन खवातीन ने टाइल बनाई है उनके नीचे बाकायदा उनका नाम है। वो जो भी खातून बनाती है वो बाकायदा अपने नाम का ठप्पा लगाती है नीचे। जैसा कि ये देख नीला रहे हैं, नबीला से दिखाओ क्या आई है ये सामने, आप लोग देख सकते हैं। ये इन लेडीज ने बनाई है जो रोडों पर भीख मांगती थी। और अगर जो ऐसे अगर लोग रहेंगे जैसे नईम शाह हैं, ऐसे लोग रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जरूर। ये दूसरी भी दिखाएं, दूसरी भी दिखाएं, सब दिखाएं। ये देखें, ये दूसरी टाइल ये देख सकते हैं जी। हाँ, ऐसे दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। ये नाम ये नाम इसका कहाँ से बन के आया? मकली से, मकली से बन के आया। नीचे खातून का नाम है ऊर, ये बनाई है ऊर ने। 20 हाँ जी, कमाल है जी। दूसरी तीसरी दिखाएंगे, वेरी वेल डन। अच्छा जी, इसमें मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि कोई कंपनी ये भी है, मकली की बनी हुई है, चिमला ने बनाई है। ये भी 20-20 की है ना जी, कमाल है। ये कमाल है। ये देखें जी, इसमें कोई जेली पन नहीं है। ये देखें, टाइलों के ढेर लग गए हैं, कुछ ऐसा नहीं है, ढेर लग गए हैं। और ये सब लोग बनी हुई है, ये माशाल्लाह इनके हाथ में जमा हुई काफी। खवातीन भी होनहार होगी मर्दों की तरह। अच्छा जी, बात ये है कि एक चीज़ और शाह साहब, नबीला सुने, बात यह है कि ये हम प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दावत देते हैं कि वो आएँ अपनी एडवर्टाइज करवाएं जो बिल्डिंग के ऊपर टाइल्स लगेंगे, उसका ब्रोशर हम वीडियो के एंड पे दे रहे हैं। आप प्लीज़ उस ब्रोशर को विजिट करें और अपनी कंपनियों के भी आप अपना नाम लिखवा के करा सकते हैं। जी सर, ऐसा है जी शाह साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, करवा सकते हैं। अच्छा, हमने आपसे कोई पैसा नहीं, फ्री कर रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल, आप हमेशा फ्री काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम फ्री डांसर हैं जी। ये ना कहे कि हमने किसी के, आप तमाम लोगों को हम दावत देते हैं कि वो आएँ और अपना नाम, अपनी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपना नाम लिखवाएं, जो जो साइडों पे लगेंगी नहीं सर, साइडों में टाइल्स लगेंगी सामने खड़े वाली टाइल्स, उसके ऊपर अपना एडवर्टाइज करवा सकते हैं। और ये काफ़ी दूर तक जाना है, ये टावर तक है समझो, अंदर अंदर से ये रोड जाएगा। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये काफ़ी आगे तक जा रहा है जी। बहुत शुक्रिया नईम साहब हमारे साथ रहने के लिए, खुश रहे, अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू। नाम आपका क्या है जी? आप क्या बना रही हैं? इससे पहले क्या करते थे? मांगते थे। ये काम कब सीखा है आपने? 3 साल हो गए। कहाँ से सीखा है? यहाँ से ही सीखा है। किसने सिखाया आपको? काशीगर ने। काशीगर ने सिखाया है। तो क्या आप आगे लोगों को सिखाएंगी? हाँ। नाम क्या है? रोजीना। रोजीना, क्या कर रही हैं आप? टाइलें बना रही। टाइलें बना रही।
तो पहले क्या करती थी आप? पहले मांग रहे थे। अभी रोज का कितना कमा रहे हैं? 400 का कमा रहे हैं। पहले की जिंदगी अच्छी थी या अभी की जिंदगी अच्छी है? अभी की जिंदगी अच्छी है। ज्यादा खुशहाली उसमें थी या इसमें जिंदगी में? थी। ये पैसे कमा के आप कहाँ क्या करती हैं? पैसे जो कमाते हैं आप लोग एक कहाँ लेके जाती हैं? खर्चा करते हैं। क्या खर्चा करते हैं जी? खाना लेते हैं। खाना लेते हैं। यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। ये जो काम आपने सीखा है आप आगे दूसरों को सिखाएंगी? हाँ, दूसरों को सिखाऊंगी। ये जो लोग काम करते हैं आपके साथ, ये लोग आपके कोई रिश्तेदार हैं? हाँ, मेरे गांव के। पहले जो कमाती थी आप, उसमें आपको क्या मिलता था? पहले जो कमा रहे थे उसमें आप क्या कमा रहे थे? रोज के कितने पैसे मिलते थे? भीख मांग रहे थे। भीख मांगने में रोज के कितने पैसे मिल जाते थे? कभी 50 थे, कभी 100 थे। अच्छा, वेल डन जैस्मीन दारी, आपकी कमाल कर दिया आपने। कितने लोगों को, बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया, और ये भीख मांगते हुए लोगों को आपने काम पे लगाया, ये है प्रॉपर किसी की खिदमत। मैं रियली अप्रिशिएटेड हूँ आपकी, और मैं बड़ा इसको पसंद किया मैंने, और यकीन जाने मुझे बहुत खुशी हुई। शायद मुझे किसी चीज़ की इतनी खुशी नहीं हुई जो इसको देखी हुई। अल्लाह ताला आपको जगा दे इंशाल्लाह। हो हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, फील्ड में आपकी हेल्प करेंगे जो भी हो सकेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। शपला क्या कर रही है? पहली वीडियोस में इंटरव्यू हो रहा था, अभी ये हमारी ये काम कब सीखे आपने? हमारी बहनें देखें किस तरह रोजगार पे लगी हैं। ये काम किससे सीखे? और उस तरह पहले की तरह भीख मांगती। कहाँ पे सीखे ये काम? कहते हैं कि जी नशे के मैदान को वगैरह बात करें, खेलों के मैदान पे रोज का कितना कमा रहे हैं, इसी तरह भीख के मैदान को वगैरह बात करें। ये दस्तरखानों के सिस्टम को भी पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पावर्टी दें, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें, उनको किसी काम पे लगाएं जो मुल्क को काम भी आए। अब ये देखें ना, ये हेरिटेज के लिए कितना काम है, ये टाइलें बना रही हैं, टाइलें मिल से आ रही हैं और आगे भी जा रही हैं। तो मैं अपील करूँगा ये दोबारा तो वो काम बड़ी बड़ी कंपनी से कि वो अपने नाम की भी टाइलें बनवा लें, और ये जो कराची में हेरिटेज को इंशाल्लाह दोबारा बनाया जा रहा है, उसमें ताकि उनका नाम भी आ जाए। बहुत शुक्रिया। और आपकी बीवी टाइल बना रही है। आयशा, कैसा लग रहा है टाइल बना के? अच्छा लग रहा है। तो पहले क्या कर रहे थे? पहले क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। तो अभी ये टाइल का काम सीखा है? तो पहले की ज़िंदगी में अभी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? पहले की ज़िंदगी खुशहाल नहीं थी, अब की ज़िंदगी ये खुशहाल चल रही है। अब खुशहाल है। अच्छा, बच्चा भी है और हम भी हैं, यहाँ घर जैसा ही माल है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे घर में गुजारा हम करते हैं, फिर यहाँ भी करते हैं, कोई परवाह नहीं है, कोई गम नहीं है। नाम क्या आपका? सपना। जी सपना। सपना। और आपकी मियाँ का क्या नाम है? जानू। अच्छा, आप क्या कर रही हैं और जानू क्या कर रहा है? मैं टाइल बना रही हूं। और जानू? जानू मिट्टी बना रहा है। काले मिट्टी बना रहा है। नाम क्या है? क्या कर रही हैं? कौन सी टाइलें बना रही हैं? कौन सी टाइलें? चार बाई चार। चार।
आपका नाम क्या है? शरीफा। क्या कर रही हैं? टाइलें बना रही हैं। अच्छा, ये काम कब सीखा है आपने? 3 साल हो गए यहीं से सीखा है। इससे पहले क्या कर रहे थे आप लोग? भीख मांग रहे थे। ये लोग जो काम कर रहे हैं साथ आपके, ये आपकी फैमिली के हैं? कुछ लोग हमारी फैमिली के, कुछ लोग गांव के। ये काम आपने किससे सीखा है? यहाँ के काशीगढ़ से सीखा है। काशीगढ़ से। यहाँ से आप कितना कमा रहे हैं? 400। 400 एक दिन का? एक दिन का। और पहले कितना कमाते थे रोज़ का जब मांगते थे? कभी 100 होता था, कभी 50, कभी तो नहीं बनता था। कभी कुछ नहीं मिलता था? कुछ नहीं मिलता। पहले की ज़िंदगी में अभी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? अभी की ज़िंदगी सही है, पहले की ज़िंदगी खपा थे उसे। क्या इस काम से आप खुश हैं? मैं भी खुश हूँ, मेरा गांव भी खुश है, मेरा खानदान भी खुश है। नईम शाह साहब आप बताइए जी, नबीला देखें ये टाइलें जी। देखें जी साहब, ये टाइल देख सकती हैं, जिन खवातीन ने टाइल बनाई है उनके नीचे बाकायदा उनका नाम है, वो जो भी खातून बनाती है वो बाकायदा अपने नाम का ठप्पा लगाती है नीचे। जैसा कि ये देख नीला नबीला से दिखाओ क्या आई है, ये सामने आप लोग देख सकते हैं, ये इन लेडीज ने बनाई है जो रोडों पर भीख मांगती थी। और अगर जो ऐसे अगर लोग रहेंगे जैसे नईम शाह ऐसे लोग रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जरूर। ये दूसरी भी दिखाएं, दूसरी भी दिखाएं, सब दिखाएं। ये देखें ये दूसरी टाइल ये देख सकते हैं जी। हाँ ऐसे दिखा दीजिए, दिखा दीजिए ये नाम। ये नाम इसका कहाँ से बन के आया? मकली से। मकली से बन के आया, नीचे खातून का नाम है। ऊर ये बनाई है ऊर ने 20। हाँ जी कमाल है जी, दूसरी तीसरी दिखाएंगे। वेरी वेल डन। अच्छा जी, इसमें मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि कोई कंपनी ये भी है, मकली की बनी हुई है, चिमला ने बनाई है, ये भी 20-20 की है। ना जी कमाल है, ये कमाल है। ये देखें जी, इसमें कोई जेली पन नहीं है। ये देखें टाइलों के ढेर लगे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, ढेर लगे हैं और सब लोग बनी हुई है। ये माशाल्लाह इनके हाथ में जमा हुई काफी होनहार होगी मर्दों की तरह। अच्छा जी, बात ये है कि एक चीज़ और शाह साहब नबीला सुने, बात ये है कि ये हम प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दावत देते हैं कि वो आएँ अपनी एडवर्टाइज करवाएं जो बिल्डिंग के ऊपर टाइल्स लगेंगे, उसका ब्रोशर हम वीडियो के एंड पे दे रहे हैं, आप प्लीज़ उस ब्रोशर को विजिट करें और अपनी कंपनियों के भी आप अपना नाम लिखवा के करा सकते हैं जी सर। ऐसा है जी शाह साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, करवा सकते हैं। अच्छा, हमने आपसे कोई पैसा नहीं, फ्री कर रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल, आप हमेशा फ्री काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्री डांसर हैं जी, ये ना कहे कि हमने किसी के, आप तमाम लोगों को हम दावत देते हैं कि वो आएँ और अपना नाम, अपनी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपना नाम लिखवाएं, जो जो साइडों पे लगेंगी नहीं सर, साइडों में टाइल लगेंगी सामने खड़े वाली टाइल, उसके ऊपर अपना एडवर्टाइज करवा सकते हैं। और ये काफ़ी दूर तक जाना है, ये टावर तक समझो अंदर अंदर से ये रोड जाएगा। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये काफ़ी आगे तक जा रहा है जी। बहुत शुक्रिया नईम साहब हमारे साथ रहने के लिए, खुश रहे, अल्लाह खुश रखे आपको। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें मेरे मोहतरम व्यूवर्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम एक शाहपुर से मिले हैं और मुबारक शाह इनका नाम है, मुबारक आती है, आइए इनसे पूछते हैं ये क्या कहना चाहते हैं इस काम के बारे में। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारे इलाके में ये तरक्की काम हो रहा है और बहुत खुशी, और अरे मोहल्ला भी बहुत खुश है, समझे ना, इनसे हम जो है बहुत मेहरबान है, हमारे अहले मोहल्ला भी इनसे बहुत खुश है, बहुत मेहरबान है कि ये तरक्याती काम जो है हमारे मोहल्ले में हो रहा है। अच्छा जी, हेरिटेज को जो कर रहे हैं सेव, हेरिटेज को बेसिकली जी हमारा ये विरसा इसको सेव कर रहे हैं जी जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये होने चाहिए, दुनिया का एक उसूल है कि पुरानी कदीमी चीज़ों को जो है सेव करना, ये एक निशानी है और निशानियाँ होनी चाहिए, हम तो खुद इसके कायल हैं, समझे ना जी। जी बहुत शुक्रिया आपके व्यूज़ का, बहुत कदर वाले आदमी हैं आप, अल्लाह खुश रखे आपको, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नबीला आप क्या फरमा रही हैं? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये जो काम हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारी आवाम के लिए हो रहे हैं और आवाम को साथ देना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया, नहीं आवाम साथ दे रहे हैं, आवाम साथ दे और माशा, ये हमारे टूरिज़म के लिए बड़ा प्रमोशन है, इसमें जो लोग बाहर से आएंगे वो जरूर इधर आएंगे और इसके जो नक्शा हमने देखा है वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, वो आए इसी काम के लिए आए और वो ये काम बहुत खुशी से करते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं हम इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।